Hello students, this is Dilip Pawar, Assistant Professor History working at Government College Nagaur. तो जो लास्ट ई लेक्चर था उसमें अपन ने पढ़ा था छठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में, 6th century BC. ये कौन सा समय है? बौद्ध और जैन का समय है. इसके अलावा इसको महाजनपद का भी समय कहा जाता है, और इसके अलावा इसको आयरन एज भी कहा जाता है, लोह युग. ये सारा एक ही युग है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है. तो 16 महाजनपद इस समय में अस्तित्व में आए थे. महाजनपद का मतलब है कि बहुत बड़े बड़े साम्राज्य इस समय में अस्तित्व में आए थे. तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा साम्राज्य था उसको कहा जाता था मगध साम्राज्य. तो मगध साम्राज्य पे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं 6th century BC में, मगध साम्राज्य या मगध महाजनपद. तो इसके बारे में अपन पढ़ते हैं. देखो, चौथी शताब्दी बीसी, अपन बात कर रहे हैं 6th शताब्दी BC के बारे में, यानी चौथी शताब्दी बीसी लगभग 200 साल पहले की अपन यहाँ पे बात करते हैं. 4th century BC, यानी 200 साल पहले इसका डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था मगध साम्राज्य का. तो जो राजनीतिक और प्रशासनिक जो ढांचा था वो अपने क्लाइमेक्स में पहुंचने वाला था. क्लाइमेक्स का मतलब यह है कि अपने परिपक्व स्तर पे पहुंचने वाला था इवन 200 साल पहले ही. तो उसी से डेवलप होके आगे चल के मगध साम्राज्य बना है. और ज्योग्राफिकली यानी भौगोलिक आधार पे काफी अधिक उन्नत प्रदेश था ये. कैसे उन्नत था? यहाँ पे एल्यूवियल प्लेन थे. जैसे आपको पता है मगध साम्राज्य किस तरफ है भारत में, अगर अपन देखेंगे पश्चिम बंगाल बिहार इस साइड में मगध साम्राज्य फैला हुआ था. तो वहां पे गंगा नदी बहा करती थी, और गंगा नदी बहने के कारण वहां पे एल्यूवियल प्लेन था. एल्यूवियल क्या होता है? उपजाऊ मिट्टी. वह मिट्टी जो नदी के दोनों तरफ पाई जाती है, और इस कारण वहां पे फसल करना, फसल बोना आसान हो गया, और वहां का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत अच्छा रहता रहा. और इसके अलावा यहाँ पे पेरेनियल रिवर्स बहती थी. पेरेनियल रिवर्स का क्या मतलब है? ऐसी नदी जो साल भर बहा करती है, बारहमासी नदी. जैसे गंगा है साल भर बहा करती है, और दक्षिण की कई सारी नदियां है वो साल भर न बह के 3-4 या 5-6 महीने बहती हैं, उसके बाद वो ड्राई हो जाती है. तो इसी कारण इस क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर सरप्लस आ गया था. एग्रीकल्चर सरप्लस अपन किसे कहते हैं? अधिशेष उत्पन्न हो गया था कृषि में. अधिशेष, अधिशेष का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितना रिक्वायर्ड है, जितनी जरूरत है उससे अधिक पैदावार हो गई. जब रिक्वायर्ड से किसी गांव में उस गांव की जो आवश्यकता है उससे अधिक पैदावार होगी तभी शहर अस्तित्व में आ सकते हैं. तभी जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है उसको शहरों की तरफ व्यापार के माध्यम से डाइवर्ट किया जाता है. और जब कृषि इतनी अधिक उन्नत अवस्था में पहुंच गई तो प्रशासनिक ढांचा भी वहां पर विद्यमान था जो करों की वसूली कर सकता था किसानों से. और इसी तरीके से हम देखते हैं मगध के क्षेत्र में कला और क्राफ्ट, आर्ट और क्राफ्ट, कला और शिल्प भी इस समय में काफी अधिक प्रगति हुई है, कला और शिल्प के भी. क्योंकि इस समय के अंदर आयरन माइंस खोजी जा चुकी थी, यानी लोहे का उपयोग इस समय होना शुरू हो गया था. कई सारी कला और शिल्प है वो लोहे से ही बनी थी. अपन एडवांटेज के बारे में बात कर रहे हैं. मगध साम्राज्य को क्या क्या एडवांटेज थे, क्या क्या लाभ थे? जैसे व्यापार और वाणिज्य में भी मगध साम्राज्य, क्यों मगध साम्राज्य इतनी उन्नति कर पाया? व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में भी मगध साम्राज्य को काफी अधिक फायदा था, क्योंकि जो व्यापारिक मार्ग थे वो मगध के आसपास से निकलते थे. उन व्यापारिक मार्ग पे मगध साम्राज्य का पूर्ण कंट्रोल था, पूरा उस पर नियंत्रण था. जैसे उदाहरण दे रखा है अपन ने, यहाँ पे उदाहरण दिया, मैंने पहले भी कहा जब भी अपन को एनालिसिस की बात करते हैं अपन ने कह दिया कि व्यापार बहुत अधिक उन्नत था मगध साम्राज्य का. तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, आप कोशिश करो कोने को उदाहरण देने की, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा. तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ जैसे उत्तर पथ मगध साम्राज्य तक आता रहा. उत्तर पथ अपना शुरू होता रहा अफगानिस्तान से, वहां से होता हुआ पश्चिम बंगाल भारत तक पहुंचता रहा जो मगध साम्राज्य के अंदर आता रहा. फिर मगध साम्राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था उस समय, ताम्र, अगर मैं लिख पाया तो मैं जरूर यहाँ पे लिखूंगा ताम्र, तांबा होता है ना ताम्र, लिप्ति, ताम्र लिप्ति एक बहुत ही फेमस बंदरगाह था. इसके बारे में कई सारे एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ताम्र लिप्ति पोर्ट कहाँ पे है. जब मैंने कॉलेज लेक्चरशिप का एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चन आया था कि ताम्र लिप्ति पोर्ट आधुनिक भारत के कौन से आधुनिक राज्य में है, तो उसका आंसर था वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो बिल्कुल जो पूर्वी कोना है वहां पे ताम्रलिप्ति पोर्ट था जो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता रहा. फिर अपन बात करते हैं राजनीतिक और सैनिक ताकत किस प्रकार की थी मगध साम्राज्य की. तो मगध साम्राज्य के पास कुछ नेचुरल डिफेंस थे. नेचुरल डिफेंस अपन कैसे कहते हैं? नेचुरल डिफेंस का मतलब है कुछ प्राकृतिक तरीके थे जिसके माध्यम से मगध अपनी सुरक्षा कर सकता था. जैसे राजगृह, राजगृह जो कैपिटल थी
जो राजधानी थी मगध साम्राज्य की, वो पांच हिल्स से घिरी हुई थी। हिल का मतलब क्या होता है? पहाड़ियां, यानी पांच विभिन्न पहाड़ियों से घिरा हुआ राजगृह शहर था, राजगृह राजधानी पुरु। इसलिए राजगृह की सुरक्षा करना आसान हो गया क्योंकि पांचों तरफ तो पहाड़ियां आ गई। फिर अपन बात करते हैं पाटलिपुत्र, जो आगे चल के मगध साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनी। पहले राजगृह हुआ करते थे, फिर कैपिटल शिफ्ट कर दी गई और नई राजधानी पाटलिपुत्र में बनी। वो जो पाटलिपुत्र है वो तीन नदियों से घिरी हुई थी। वो जो पाटलिपुत्र को जलदुर्ग भी कहा जाता है। तीन नदियां कौन सी? गंगा, गंडक और सोन। तो नदियां भी एक प्रकार का नेचुरल डिफेंस था कि सैनिकों का वहां पे आक्रमण करना आसान नहीं था पाटलिपुत्र में, क्योंकि तीन नदियों का संगम था वहां पे, गंगा, गंडक और सोन। फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक और सैनिक शक्ति के अंतर्गत जो हथियार थे वो भी बहुत अधिक बनाए गए मगध साम्राज्य में, क्योंकि इन लोगों के हाथ में लोहा लग चुका था, लोहे की खदान इनके हाथ में आ चुकी थी, जिसके माध्यम से उन्होंने अनेक प्रकार के लोहे के हथियार बनाए और अपनी सैनिक ताकत में इजाफा किया। और इनके पास टिम्बर के भी, अपन नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन भी बाहुल्य में थे मगध साम्राज्य के पास, जैसे टिम्बर हो गया, हाथी भी बहुतायत में थे और टिम्बर भी वहां पे मिलता था। टिम्बर का मतलब होता है लकड़ी, अपन वनों को काट के लकड़ी का उपयोग करते हैं। एक तो वन भी वहां पे बहुत थे, जंगल का एरिया था काफी, तो उनको लकड़ी मिल जाया करती थी और उस लकड़ी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इनके पास हाथी भी बहुत हुआ करते थे, ट्रांसपोर्ट एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। तो इस प्रकार प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक थे मगध साम्राज्य के पास। फिर अपन बात करते हैं सोशियो कल्चरल रीजन कौन सा था मगध की उन्नति के पीछे, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण कौन सा रहा। देखो राजनीतिक कारण के बारे में अपन ने पढ़ लिया, प्रशासनिक कारण के बारे में पढ़ लिया, भौगोलिक कारण के बारे में पढ़ लिया, आर्थिक कारण के बारे में पढ़ लिया। तो अब अपन बात करते हैं, यानी समाज और संस्कृति भी मगध की इस प्रकार की थी कि जिससे मगध साम्राज्य की उन्नति में सहायता मिली। इट वॉज आउटसाइड द पेल ऑफ आर्यव्रत, यानी आर्यव्रत अपन किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जहां पे ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस बहुत अधिक है, यानी ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रभाव बहुत अधिक है, उसको आर्यव्रत कहा जाता है। लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचा मगध का इस प्रकार का था कि वह ब्राह्मणवादी विचारधारा के बाहर थी, यानी ब्राह्मणवादी विचारधारा का इतना अधिक प्रभाव मगध पे अभी नहीं पड़ा था। जो वर्णाश्रम धर्मा जिसे अपन कहते हैं, यानी हर व्यक्ति को अपने वर्ण की अनुपालना करनी चाहिए, वर्णाश्रम धर्मा इस समय में इतना अधिक फॉलो नहीं किया जाता था मगध के क्षेत्र। फॉलो का मतलब है इसकी अनुपालना इतनी अधिक नहीं की जाती थी। और इसी का ही फायदा उठाते हुए मगध की जो सेना थी वो चारों वर्णों से उनको नियुक्त किया जाता रहा, यानी शूद्र भी सेना में शामिल होंगे, वैश्य भी सेना में शामिल होंगे, ब्राह्मण भी सेना में शामिल होंगे, क्षत्रिय भी सेना में शामिल होंगे। और बाकी जगह पे जहां पे ब्राह्मण वाली विचारधारा का प्रभाव बहुत अधिक था वहां पे फिक्स कर रखा था, केवल क्षत्रिय ही सेना में जा सकते हैं, शूद्र नहीं जा सकते। तो मगध के क्षेत्र में चारों वर्णों से सेना का रिक्रूटमेंट किया जाता रहा, जिसका सीधा फायदा मगध साम्राज्य को मिला क्योंकि उनकी मगध साम्राज्य की सेना संख्या में बहुत अधिक हो गई। और फिर जो सोशल टेंशन रही थी, जो आर्यव्रत का क्षेत्र था जहां पे ब्राह्मण वाली विचारधारा का प्रभाव बहुत अधिक था, तो वहां पे जो सोशल टेंशन थी, जो स्ट्रेन आ रखा था, सोशल स्ट्रेन आ रखा था, उस प्रकार का स्ट्रेन हमें मगध के क्षेत्र में देखने को नहीं मिलता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो आउटलुक था इस समय का वो फ्लेक्सिबल था, वो रिजिड नहीं था। सोशियो कल्चरल आउटलुक रिजिड काम पे था, रिजिड था आर्यव्रत के क्षेत्र में जहां पे ब्राह्मण वाली विचारधारा का प्रभाव अत्यधिक था, क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण वाली विचारधारा का प्रभाव कम था इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में शिथिलता भी थी, बहुत अधिक कड़े नियम नहीं थे यहाँ पे समाज और संस्कृति से संबंधित, जिसका फायदा मगध साम्राज्य को मिला। फिर यहाँ के कई सारे ताकतवर राजा रहा करते थे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है बिंबिसार। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य का काफी अधिक विस्तार किया। किस माध्यम से उसने अपना साम्राज्य का विस्तार किया? मैट्रिमोनियल रिलेशन। मैट्रिमोनियल रिलेशन का मतलब क्या है कि वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने अपने क्षेत्रों में विस्तार किया। जैसे कहीं किसी प्रदेश की राजकुमारी से शादी कर ली तो दहेज के रूप में उसको अंगा मिल गया, अंग नाम का क्षेत्र उसको दहेज में मिला था किसी राजकुमारी से शादी करने के पश्चात। बिंबिसार ने अंग में भी अपना प्रभाव जमा लिया और युद्धों के माध्यम से भी उसने काफी अधिक अपनी सीमाओं में वृद्धि की। और जब अंग प्रदेश मगध में शामिल हो गया वैवाहिक संबंधों के कारण, तो ताम्र लिप्ति नाम का जो प्रसिद्ध बंदरगाह वो भी मगध साम्राज्य में आ गया। यानी मगध साम्राज्य अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी कर सकता था दक्षिण पूर्व एशिया के साथ, दक्षिण भारत के साथ, समुद्र के माध्यम से, ताम्र लिप्ति बंदरगाह के माध्यम से। फिर इसके बाद जो अगला ताकतवर राजा था मगध साम्राज्य में वो था अजात शत्रु ने कहां पे अपना
विस्तार किया अपने क्षेत्रों का, अजात शत्रु ने विस्तार किया, कोसल कोसल पे उसने आक्रमण किया और कोसल वासियों को हराया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वज्जी वज्जी और कोसल को अपने मगध क्षेत्र में मिला लिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मगध साम्राज्य काफी अधिक ताकतवर हो गया। फिर शिशुनाग, अब बिंबिसार अजात शत्रु के पश्चात एक नया वंश आया था जिसका नाम था शिशुनाग वंश। शिशुनाग ने अवंती क्षेत्र के अंदर भी अपना प्रभाव जमा लिया। तो शिशुनाग वंश कहाँ का है? मगध का है। और ये कौन से वंश के हैं? बिंबिसार और अंगा बिंबिसार और अजात शत्रु, ये हैं हरिणक वंश। हरिणक हरिणक इस तरह का लिखा जाता है, हरिणक वंश से संबंधित है। फिर आगे चल के एक बहुत ही प्रभावशाली राजा रहा है मगध का, महापद्म नंद। महापद्म नंद, महापद्म नंद को के बारे में कहा जाता है इसने कई सारे गणराज्यों का खात्मा किया, यानी अपनी सीमाओं को और अधिक विस्तार किया, कलिंग के क्षेत्र में अपना प्रभाव कायम किया महापद्म नंद ने। फिर अंततः सबसे अधिक प्रभावशाली राजा था मगध का चंद्रगुप्त मौर्य। यानी अपन देखते हैं हरिणक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, नंद वंश हो गया और मौर्य वंश, इन्हीं सभी वंशों की जो क्षेत्र था, कोर एरिया था, वो था मगध, और जिसमें महत्वपूर्ण था पाटलिपुत्र शहर। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसने भी अपनी सीमाओं में विस्तार किया, यानी चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि मगध साम्राज्य का विस्तार हो रहा है क्योंकि इनका कोर एरिया मगध क्षेत्र में था। इसने हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला तक अपना विस्तार किया। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है मकारन कोस्ट, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान की तरफ मकारन कोस्ट है, कोस्ट किनारा, तो यहां तक उसने अपना विस्तार किया क्षेत्रों का। नॉर्थ में कश्मीर तक गया, यानी अपने अधिकतम सीमा तक पहुंच गया मगध चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कश्मीर जो उत्तर भारत में है वहां तक इसने अपना विस्तार किया। कर्नाटक साउथ इंडिया तक चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना विस्तार किया। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगला राजा था अशोक, अगला महत्वपूर्ण राजा अशोक, अशोक के समय में मगध साम्राज्य अपने क्लाइमेक्स में पहुंच गया, अपने परिपक्व स्तर तक पहुंच गया, क्लाइमेक्स तक, अपने मैक्सिमम विकास तक पहुंच गया। और अशोक के समय में हम देखते हैं कलिंग का आधिपत्य कर लिया गया था। हालांकि कलिंग का कुछ हिस्सा महापद्म नंद के समय भी लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से कलिंग का अधिग्रहण अशोक के समय में हुआ था। कलिंग की अशोक की फेमस वॉर है कलिंग युद्ध, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और अशोक किस लिए जाना जाता है? धम्म घोष की नीति के कारण। तो यह आज अपने मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ा है। इसी के साथ ही अपन ये अपना छोटा सा यहाँ पे ई लेक्चर खत्म करते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।